नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज मैं जाने वाला हूं न्यू टाउन में और न्यू टाउन के काफी प्राइम लोकेशन में आज मैं आप लोगों को एक फ्लैट दिखाने वाला हूं एक्शन एरिया वन में। और आज मैं आप लोगों को एक 4 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट दिखाऊंगा, एकदम ब्रांड न्यू फुल्ली फर्निश्ड किया हुआ है। और ये फ्लैट का जो टोटल स्क्वायर फीट एरिया है वो आपको 2175 स्क्वायर फीट मिल जाएगा, 2175 स्क्वायर फीट का एक 4 BHK फ्लैट आपको दिखाऊंगा स्टैंड अलोन बिल्डिंग में, जो कि एक G+4 बिल्डिंग है। और ये जो फ्लैट है इस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे होने वाला है, जो कि इस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है। और आपको इस फ्लैट के साथ 2 कार पार्किंग यहाँ पे मिल जा रहा है, एक कवर्ड पार्किंग मिलेगा और एक ओपन पार्किंग मिलेगा। तो 2175 स्क्वायर फीट का फ्लैट 4th फ्लोर के ऊपर स्टैंड अलोन बिल्डिंग में फुल्ली फर्निश्ड होने वाला है, एकदम ब्रांड न्यू फ्लैट होने वाला है। एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता देता हूँ, ये एग्जैक्टली पड़ता है आपका एक्शन एरिया 1। यहाँ से जो आपका लैंडमार्क है विश्व बंगला गेट आपको मात्र 10 मिनट डिस्टेंस में मिल जाएगा। और आपका जो सेक्टर 5 है, जो कि कोलकाता का IT हब है, वो आपको मात्र 10 मिनट डिस्टेंस में यहाँ से मिल जा रहा है। और आपका जो न्यू टाउन बस स्टैंड है वो आपको मात्र 5 मिनट डिस्टेंस में मिल जाएगा। तो आप लैंडमार्क सुन के समझ ही पा रहे हैं कि लोकेशन कितना प्राइम है। और दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि अगर आप लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और आप लोग अगर अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर किसी को ढूंढ रहे हैं जो आपकी मदद करे आपकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जल्दी से कॉल लगाइए, हमें बुलाइए, हम आएंगे आपकी प्रॉपर्टी का इसी तरीके का एक प्रोफेशनल वीडियो बनाएंगे और उसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए प्रमोट करके आपकी प्रॉपर्टी को जल्दी जल्दी बेचने में आपको मदद करेंगे। और आप अगर कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं जो आपको मिल नहीं रही है, आप उसके लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जो आपका लोकेशन है जहां पे आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, वो लोकेशन का नाम आप लिखिए, तो हम उस लोकेशन पे जाके आपके हिसाब से प्रॉपर्टी ढूंढ के उस प्रॉपर्टी का वीडियो बना के अपलोड करेंगे, ताकि आपको आपके हिसाब की प्रॉपर्टी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, ये है आपका बिल्डिंग का आउटर व्यू। ये एक G+4 बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में आज हम लोग 4th फ्लोर पे देखेंगे हमारा 4 BHK फ्लैट। और ये है आपका बिल्डिंग के सामने का रास्ता, हिडको रोड आपको मिल रहा है एक्शन एरिया 1 में। आप देख सकते हैं पूरा डेवलप्ड एरिया है, कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे चल रहा है। ये है आपका इस बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस। नीचे आपको इस फ्लैट के साथ एक ओपन पार्किंग यहाँ मिल जाएगा, और इस तरफ नीचे आपको मिल जाएगा एक कवर्ड पार्किंग फ्लैट के साथ में। टोटल 2 पार्किंग आपको यहाँ मिल रहा है। पीछे आप देख सकते हैं, पीछे आपको दिखा देता हूँ, पीछे यहाँ पे ये थोड़ा सा ग्रीनरी एरिया आपको यहाँ मिल रहा है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे केयर टेकर का एक रूम है, एक वॉशरूम है। इधर आपको मिल रहा है मीटर एरिया, और दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे जो फ्लोरिंग है देख सकते हैं, मार्बल फ्लोरिंग है। इस तरफ आपको मिल जाना है स्टेयर्स, और इस तरफ आपको मिल रहा है एक लिफ्ट। लिफ्ट आपको दिखा देता हूँ, एक 4-5% का जॉनसन ब्रांड का लिफ्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अब इसी लिफ्ट से हम लोग 4th फ्लोर पे चलेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग 4th फ्लोर पे आ चुके हैं, और ये है आपका 4th फ्लोर का कॉमन पैसेज। यहाँ पे एक फ्लोर में आपको एक ही फ्लैट मिलेगा। वो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एकदम मार्बल फ्लोरिंग का काम किया हुआ है। इधर एक विंडो है, स्टेयर्स है, और ये जो फ्लैट आप देख रहे हैं यही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को फ्लैट के अंदर लेके चलता हूँ। और अंदर जाने से पहले इस फ्लैट का जो एंट्रेंस है हम लोग कॉम्पास में देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ एंट्रेंस आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे बाहर आप देख सकते हैं, बाहर भी यहाँ पे काफी बढ़िया फर्नीचर का काम किया हुआ है। आपको एक कॉलेप्सिबल गेट भी यहाँ मिल जा रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे जो मेन डोर आपको मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी बढ़िया वुडन डोर आपको मिल रहा है, जिसके ऊपर यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है। तो ये एक 4 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है, जिसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया है आपका 2175 स्क्वायर फीट।
और ये फ्लैट आपको एक जी प्लस फोर बिल्डिंग में मिल जा रहा है जो कि इस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है। चलिए इस फ्लैट को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे जो फ्लोरिंग आपको मिल रही है आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीमियम वेट्रीफाइड टाइल्स आपको मिल जा रहा है। और यहाँ पे एंटर होने के साथ ही आपको एक लिविंग स्पेस यहाँ मिल रहा है जिसका साइज है आपका 23x18 23x18 का एक लिविंग स्पेस आपको यहाँ मिल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एकदम ब्रांड न्यू फर्निश किया हुआ है ये फ्लैट। ऊपर देख सकते हैं काफी बढ़िया यहाँ पे फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है, झूमर लगा हुआ है। यहाँ पे आपको चार फैंस मिल जा रहे हैं लिविंग स्पेस में जिसका ब्रांड है आपका हैवल्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने आपको यहाँ पे ये जो सोफा सेट आप देख रहे हैं एज इट इज आपको मिलेगा। और बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सेंटर टेबल आपको मिल जा रहा है, उसके नीचे यहाँ पे कारपेट लगा हुआ है। और इस तरफ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वॉच आपको मिल रहा है। और इधर वॉल में आप देख सकते हैं काफी सुंदर यहाँ पे टेक्सचर का काम किया हुआ है। इधर आपको एक टीवी यूनिट मिलेगा और इधर आपको एक काफी बड़ा टीवी मिल रहा है जिसका ब्रांड है आपका सोनी। और इधर आपको एक म्यूजिक सिस्टम भी मिल जा रहा है इसके साथ। और इधर नीचे आप देख सकते हैं काफी बढ़िया एक टीवी कैबिनेट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं फ्लैट के थोड़ा और अंदर। उसके पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे सामने दो बड़ा विंडो मिल रहा है। और इस विंडो का जो फेसिंग है वो हम लोग देख लेते हैं, नॉर्थ फेसिंग आपको यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे लिविंग स्पेस में आपको टोटल दो एसी यहाँ पे मिल जा रहा है, दोनों एसी का जो ब्रांड है वो है आपका डाइकिन। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इस फ्लैट का हमारा डाइनिंग स्पेस। इस तरफ आप देख सकते हैं आपको एक काफी बड़ा रेफ्रिजरेटर मिल रहा है जिसका ब्रांड है आपका सैमसंग। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं आपको एक डाइनिंग स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। और इस डाइनिंग स्पेस का जो साइज है वो आपको 10x8 का मिल जाएगा, 10x8 का एक डाइनिंग स्पेस आपको यहाँ मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्टेन लगा के इसको पूरा सेपरेट किया गया है। और इधर आपको दिखा देता हूँ एक 6-सीटर डाइनिंग टेबल आपको यहाँ पे मिल रहा है। इधर देख सकते हैं काफी बढ़िया एक लाइट वाला फैन आपको यहाँ मिलेगा। इस तरफ आपको एक अजंता का वॉच मिल रहा है। और वॉल में आप देख सकते हैं एकदम नया यहाँ पे पेंट किया हुआ है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इस फ्लैट का हमारा जो किचन एरिया है और इसका जो साइज है वो आपको 10x10 का मिल जा रहा है, 10x10 का एक मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे मिल रहा है। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक छोटा फ्रिज मिलेगा जिसका ब्रांड है आपका कैल्विनेटर। और ये किचन में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे मिल रहा है। नीचे ऊपर काफी सारे यहाँ पे कैबिनेट्स बने हुए हैं। किचन में भी आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का काम करके यहाँ पे फैन लगा हुआ है। और यहाँ पे जो स्लैब आपको मिल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेनाइट स्लैब आपको मिल रहा है। इस तरफ एक बड़ा सिंक मिल रहा है, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक गैस मिल रहा है जिसका ब्रांड है फेबर। इधर आपको एक चिमनी मिल रहा है जिसका सेम ब्रांड है फेबर। इस तरफ आपको एक माइक्रोवेव मिल रहा है, इस तरफ आपको एक एयर फ्रायर मिल रहा है। और इधर आपको दिखा देता हूँ एक एक्वागार्ड आपको मिल रहा है जिसका ब्रांड है लिव प्योर। तो काफी बढ़िया डेकोरेट किया हुआ है ये किचन। इस किचन में आपको मिलने वाला है एक विंडो, इस विंडो का जो फेसिंग है वो साउथ फेसिंग है विच इज अ वेरी गुड फेसिंग। यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन आपको मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है इस फ्लैट में, कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इस फ्लैट का हमारा फर्स्ट बेडरूम। और इसका जो साइज है वो आपको 13x11 का मिल जाएगा, 13x11 का एक फर्स्ट बेडरूम आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं जो डोर है काफी बढ़िया यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है। इधर आपको दिखा देता हूँ एक बेड आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। इधर देख सकते हैं वॉल में काफी बढ़िया यहाँ पे टेक्सचर का काम किया हुआ है। ऊपर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फॉल सीलिंग को डेकोरेट किया हुआ है। इस तरफ
आपको एक यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल मिल जा रहा है, इस तरफ आपको एक वॉशिंग मशीन मिल जाएगा, इस तरफ आप देख सकते हैं एक वार्डरोब यहाँ पे आपको मिल रहा है, इस रूम में भी आपको एक एसी मिल जाएगा जिसका ब्रांड है डेकिन, और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं आपको एक विंडो मिल रहा है इस रूम में, और इस विंडो का जो फेसिंग है वो नॉर्थ फेसिंग आपको मिल जाएगा। और इस रूम में आपको मिल जाएगा साथ में एक अटैच वॉशरूम, और इस अटैच वॉशरूम का जो साइज है वो आपको 8x7 का मिल जा रहा है, 8x7 का एक अटैच वॉशरूम। यहाँ पे जो डोर है आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ग्लास वर्क किया हुआ है इस डोर में, और इसमें यहाँ पे वॉशरूम में आप देख सकते हैं फ्लोरिंग में यहाँ पे मार्बल फ्लोरिंग मिल रहा है, यहाँ पे एक वेस्टर्न स्टाइल कमोड मिल जाएगा, यहाँ पे एक बेसिन मिल रहा है, इस तरफ देख सकते हैं एक कैबिनेट आपको मिल रहा है, यहाँ एक मिरर मिल जा रहा है, और एक बहुत ही लाजवाब चीज आपको मिल रहा है इस वॉशरूम में जो कि है बाथ टब, यहाँ पे आप लोग आराम से नहा सकते हैं। वॉल में आप देख सकते हैं काफी ऊपर तक यहाँ पे टाइल्स लगाया गया है, पूरा का पूरा वॉल ही टाइल्स से कवर कर दिया गया है, इस तरफ भी आपको एक मिरर मिल रहा है, यहाँ पे एक हैंगर मिल रहा है, यहाँ पे गीजर के लिए पॉइंट है, ऊपर आप देख सकते हैं एक शावर मिल रहा है, और यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिएगा इस वॉशरूम में भी यहाँ पे फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है, ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको एक विंडो मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इस रूम का, हमारा जो बैल्कनी है ये हमारा मास्टर बेडरूम है, और इस बैल्कनी का जो साइज है वो आपको 13x4 का मिल रहा है, काफी स्पेसियस बैल्कनी आपको यहाँ पे मिल रहा है 13x4 का, और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे फ्लोरिंग है सब प्रीमियम टाइल्स यहाँ पे लगाया गया है, इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे बैल्कनी में पूरा यहाँ पे ग्रेनाइट का काम किया हुआ है, और इस बैल्कनी से जो व्यू है वो आप लोग देख पा रहे हैं एकदम रोड फेसिंग बैल्कनी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, और इस बैल्कनी से यहाँ पे सेकेंड रूम का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए सेकेंड रूम में हम लोग इस बैल्कनी से ही चलते हैं, और इस रूम का जो साइज है वो आपको 14x10 का मिल रहा है, 14x10 का एक सेकेंड बेडरूम आपको यहाँ मिल रहा है, इसमें सामने देख सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया वुडन बेड आपको यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे साइड में देख सकते हैं साइड टेबल आपको मिल रहा है, उसके ऊपर मिरर है, सामने एक एसी मिल रहा है डेकिन ब्रांड का, और इस रूम में आपको टोटल 2 विंडो मिल जाएंगे, और इस विंडो का जो फेसिंग है वो देख लेते हैं, ईस्ट फेसिंग मिल रहा है इस विंडो में देख सकते हैं, काफी बढ़िया यहाँ पे कर्टेन लगा के काम किया हुआ है, और वो जो विंडो है उस विंडो का जो फेसिंग है वो आपको साउथ फेसिंग मिल रहा है विच इज़ अ वेरी गुड फेसिंग, यहाँ ऊपर देख सकते हैं बहुत बढ़िया यहाँ पे फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है, और इस तरफ आपको मिल रहा है एक बहुत ही बढ़िया वार्डरोब, देख सकते हैं कितना लाजवाब वार्डरोब यहाँ पे मिल रहा है जिसका ब्रांड है आपका गोदरेज इंटरियो। तो इस रूम में भी आपको मिलेगा एक अटैच वॉशरूम, और इसका जो साइज है वो आपको 10x4 का मिल जा रहा है, 10x4 का एक अटैच वॉशरूम आपको इसमें भी मिल रहा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं जो डोर है यहाँ पे पूरा ग्लास लगा हुआ है, यहाँ पे एक बेसिन मिल रहा है जिसका ब्रांड है आपका सीरा, सामने एक मिरर मिलेगा, और वॉल में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वॉल यहाँ पे कवर कर दिया गया है टाइल्स से, जो भी बाथरूम फिटिंग से सब एकदम प्रीमियम ब्रांड्स के लगे हुए हैं, इसमें आपको एक वेस्टर्न स्टाइल कमोड मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं सामान रखने के लिए जगह है, विंडो है, ऊपर गीजर के लिए पॉइंट है, और एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब निकलते हैं इस सेकेंड बेडरूम से, और आपको मैं लेके चलता हूँ फ्लैट के उस तरफ, और अब आपको मैं दिखाता हूँ इस फ्लैट का हमारा जो थर्ड बेडरूम है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक बेसिन लगा हुआ है, कैबिनेट किया हुआ है, ऊपर मिरर है,
तो ये सामने आपको मिल जा रहा है इस फ्लैट का थर्ड बेडरूम, और इसका जो साइज है वो आपको 14x9 का मिल जाएगा, 14x9 का एक थर्ड बेडरूम आपको यहाँ मिल रहा है। इसमें भी देख सकते हैं आप, सेम वार्डरोब है जो सेकंड बेडरूम में था, गोदरेज इंटरियो ब्रांड का। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कारपेट रखा हुआ है, और यहाँ भी सामने आपको एक वुडन बेड मिल रहा है। साइड में देख सकते हैं एक साइड टेबल है, उसके साथ मिरर है, उधर फ्लावर पॉट रखा हुआ है। इधर भी आपको एक एसी मिलेगा डेकिन ब्रांड का। ऊपर देख सकते हैं काफी बढ़िया फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है। जितने भी फैंस यहाँ लगे हुए हैं सब हैवल्स ब्रांड के लगे हुए हैं। और इस रूम में आपको मिलेंगे टोटल 2 विंडो। तो इस विंडो का जो फेसिंग है वो हम लोग देख लेते हैं, साउथ वेस्ट फेसिंग मिल रहा है, और इस विंडो का जो फेसिंग है वो आपको साउथ फेसिंग मिल रहा है। तो इस रूम में दोनों ही विंडो की जो फेसिंग है बहुत अच्छी मिल रही है। और इसमें भी आपको मिलेगा एक अटैच वॉशरूम, यानी कि 3 बेडरूम में 3 अटैच वॉशरूम आपको मिल रहा है, और इसका जो साइज है वो आपको 8x4 का मिलेगा, 8x4 का एक अटैच वॉशरूम इस थर्ड बेडरूम में आपको मिल रहा है। इसमें भी फ्लोरिंग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्बल फ्लोरिंग है, गेट आपको सेम ही मिल रहा है, यहाँ पे एक काफी बढ़िया बेसिन मिल रहा है, सामने मिरर है, और वॉल में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वॉल ही यहाँ पे टाइल से कवर कर दिया गया है। इस तरफ आपको एक वेस्टर्न स्टाइल कमोड मिल रहा है, सामने एक छोटा विंडो है, ऊपर एग्जॉस्ट फैन है, यहाँ पे गीजर के लिए पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों अब निकलेंगे इस थर्ड बेडरूम से, और इसके ठीक बगल में आपको मिलेगा इस फ्लैट का ये फोर्थ बेडरूम, जिसकी चाबी अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसको लाइब्रेरी बना के रखा हुआ है। ये वाला जो रूम है ये भी आपको इसी रूम के साइज का मिलने वाला है, तो जब भी आप ये फ्लैट विजिट करेंगे तो आपको ये वाला रूम खोल के दिखा दिया जाएगा, अभी मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस फ्लैट का हमारा जो कॉमन वॉशरूम है, जिसका साइज है आपका 9x4, यानी कि 4 वॉशरूम आपको इस फ्लैट में मिल रहे हैं। 9x4 का एक कॉमन वॉशरूम, इसमें भी जो गेट है आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया गेट मिल रहा है, ग्लास वर्क किया हुआ है, यहाँ पे एक बेसिन मिल रहा है, यहाँ पे एक मिरर मिल रहा है। वॉल में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वॉल यहाँ पे टाइल से कवर किया हुआ है, इसमें एक वेस्टर्न स्टाइल कमोड मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉवर लेने के लिए एक सेपरेट यहाँ पे स्पेस बनाया हुआ है। यहाँ पे सामने एक विंडो मिल रहा है, गीजर पॉइंट है, और ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन आपको मिल जा रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं इस बिल्डिंग के टेरेस पे, दिस इज द टेरेस ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे रूफ ट्रीटमेंट का काम किया हुआ है। तो एज ये फ्लैट आपको टॉप फ्लोर पे मिल रहा है, तो यहाँ पे हीट की कोई समस्या नहीं होगी। इस तरफ देखिए वाटर फिल्टरेशन प्लांट आपको यहाँ मिल रहा है, ये आपको मिल जा रहा है एक लिफ्ट रूम। इस तरफ से देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने एक पार्क आपको यहाँ पे नजदीक मिल रहा है, और उस तरफ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से सेक्टर 5 काफी नजदीक आपको मिल रहा है। आप देख के समझ ही पा रहे हैं कहाँ पे खड़ा हूँ अभी मैं, एक्शन एरिया 1 में आपको मिल जा रहा है ये वाला फ्लैट। इस तरफ देख सकते हैं एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को एक 4BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट मैंने अभी दिखाया, जो कि एकदम ब्रांड न्यू फ्लैट है। आपने देखा कि हर एक चीज यहाँ पे एकदम नई है, और पूरा का पूरा फ्लैट यहाँ पे एकदम बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सजाया हुआ है। आपको इस फ्लैट में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आना है, अपने कपड़े लेके आने और रहना स्टार्ट करना है। हर चीज की सुविधा आपको इस फ्लैट में यहाँ पे मिल रही है। तो आप लोगों को ये फ्लैट अगर पसंद आता है, और आप लोग अगर अपना साइट विजिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट करके अपना साइट विजिट बुकिंग कर सकते हैं। और इस फ्लैट का जो प्राइस है वो मैं आपको रिवील कर देता हूँ। इस फ्लैट का जो ओनर है यहाँ पे 2.5 करोड़ मांग रहा है, यानी कि 2.5 करोड़ रुपए। और दोस्तों सच बताऊं ऑनेस्टली ना, ये प्राइस मेरे को तो ज्यादा लग रहा है,
मैं गया, मेरे को ये फ्लैट बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा फर्निश्ड किया हुआ है, इसीलिए मैं रुक नहीं पाया, मैं इस फ्लैट का वीडियो बना लिया और आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया हूँ। प्राइस थोड़ा मेरे को ज्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये फ्लैट पसंद आता है तो आप आइए, हम लोग मिलके जाएंगे, ओनर के साथ बैठेंगे और इसको निगोशिएट करने का ट्राई करेंगे। और आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग मेरे इस तरीके के वीडियो अगर रेगुलरली देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे YouTube, Facebook और Instagram में फॉलो कर सकते हैं। आपके पास अगर टाइम कम है तो आप लोग मुझे Instagram में देखिए, वहां पे मेरे शॉर्ट वीडियोस रहते हैं जो कि एक मिनट के अंदर अंदर टाइम में रहते हैं, आप लोग वहां पे जाके देखिए। और आपके पास अगर टाइम है तो ऑलरेडी आप लोग YouTube वीडियो मेरा देख ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, YouTube, Facebook और Instagram में फॉलो कर लीजिए रेगुलर वीडियोस के लिए। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।